नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है वन प्लस नोट 3 5G और हम देखने वाले कि आप किस तरीके से इस फोन में अपनी प्राइवेट फाइल्स को, जैसे कि आपकी प्राइवेट फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, एपीके और ऑडियो फाइल को हाइड कर सकते हो, और वो भी आपके पासवर्ड और बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन के साथ। अगर आपको अपने केवल फोटो वीडियो को हाइड करना है तो आपको जाना है फोटोज ऐप में। अगर आपको अपने किसी भी फाइल टाइप को हाइड करना है तो जाना है माई फाइल्स ऐप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको किस तरीके से अपने फोटोज ऐप में जाकर फोटो वीडियो को हाइड करना है। तो फोटोज ऐप में शो करते हैं आपके फोटोज और वीडियोस इस तरीके से। तो आपको जिन किसी फोटो वीडियो को हाइड करना है, आपको करना है उन्हें सिलेक्ट। तो आपको उस फोटो पे लॉन्ग टैप करना है इस तरीके से सिलेक्ट करने के लिए। तो येलो टी शर्ट के सभी फोटो को मैं करूंगा सिलेक्ट। इसके अलावा मुझे इन वीडियो को भी करना है सिलेक्ट, ठीक है, 4 वीडियो और यहाँ पे है 8 फोटोज। तो इन्हें हाइड करने के लिए आपको करना है नीचे हाइड पे टैप। सबसे पहले आपको सेट करना होगा आपका प्राइवेसी पासवर्ड। तो आपको सेट पासवर्ड पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको सेट करना है आपका प्राइवेसी पासवर्ड। हालांकि आप जो पासवर्ड टाइप है उसे भी चेंज कर सकते हो। आपको पासवर्ड टाइप पे टैप करना है। मान लेते हैं मुझे सेट करना है पैटर्न को, तो मैं पैटर्न पे टैप करूंगा। फिर आपको अपना पैटर्न सेट करना है, फिर से कंफर्म कीजिए। फिर आपको यहाँ पे शो करेगा एक क्वेश्चन और आपको एंटर करना है उसका आंसर। आप जो क्वेश्चन है उसे भी चेंज कर सकते हो। आपको क्वेश्चन पे टैप करना है। आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो सिलेक्ट, या फिर अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। मैं करूंगा किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट। फिर आपको उसका आंसर यहाँ पे एंटर करना है। ये क्वेश्चन आंसर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फ्यूचर में आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और आपको एंटर करना होगा ये पासवर्ड, तभी आप अपने पासवर्ड को रिसेट या चेंज कर पाओगे। तो आपको टिक पे टैप करना है। अगर आपको प्राइवेट ऐप को ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस का यूज करना हुआ तो आपको टैप करना है यूज फिंगरप्रिंट और फेस। गॉट इट कीजिए। तो ये है आपका प्राइवेट सेप जहां पे आप अपने इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स और अदर फाइल्स को हाइड कर सकते हो। तो हमने जो फोटो वीडियो सिलेक्ट किए थे यहाँ पे शो नहीं कर रहे, तो आपको फिर से करना पड़ेगा उस सेम प्रोसेस को। तो ये 4 वीडियो और यहाँ पे थी ये 8 फोटोज। फिर से करेंगे हाइड, ओके। तो आप देखोगे जो भी मैंने फोटो वीडियो को सिलेक्ट किया था अभी यहां से हाइड हो चुके हैं, अब आपको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप जाओगे किसी भी ऐप में या फोल्डर में, आपको वहां पे भी ये वीडियो फोटो शो नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वीडियो और जो फोटो हमने हाइड की है शो नहीं कर रहे। येलो कलर में जो फोटोज थी अब आप देखोगे यहाँ से गायब हो चुकी है। तो जो भी फोटो वीडियो आपने हाइड की है, अगर आपको उन्हें देखना हुआ, एक्सेस करना हुआ, तो कैसे करोगे? तो आपको जाना है फोटोज ऐप में और यहाँ पे नीचे शो करेगा ये बॉटम टैप, जहां पे आपको शो करेंगे 3 आइकन, फोटोज, एल्बम और एक्सप्लोर। आपको तीनों में से किसी भी एक आइकन पे लॉन्ग टैप करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड या फिर आप अपने फेस और फिंगरप्रिंट को भी स्कैन कर सकते हो इसे ओपन करने के लिए। और यहाँ पे शो करेंगे आपके फोटो वीडियो जो आपने हाइड किए थे, ये रहे वीडियो और ये है फोटोज। तो इस तरीके से आप अपने फोटो और वीडियो को यहाँ पे ओपन और प्ले कर सकते हो। इतना नहीं, अगर आपको किसी भी फोटो वीडियो को और हाइड करना हो तो आप यही से कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, तो टैप कीजिए और आप देखोगे जिस फोटो को आपको हाइड करना है उन्हें कीजिए सिलेक्ट, वीडियो को भी कीजिए सिलेक्ट। फिर आपको करना है सेट एज प्राइवेट। तो आप देखोगे जो भी फोटो वीडियो आपने हाइड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे। तो आप प्राइवेट सेट में होते हुए भी इस तरीके से किसी भी फोटो वीडियो को हाइड कर सकते हो। अगर आपको किसी भी फोटो वीडियो को अनहाइड करना हुआ तो आपको करना है उन्हें सिलेक्ट। जैसे कि मैं चाहता हूँ येलो टी शर्ट में जो फोटोज है और जो वीडियोज है 4, इन्हें मैं अनहाइड करूं। अनहाइड करने का मतलब है कि ये जो फोटो वीडियो होंगे आपके फोटोज ऐप में पब्लिकली शो करेंगे। तो आपको उन्हें करना है लॉन्ग टैप करके इस तरीके से सिलेक्ट। तो अनहाइड करने के लिए आपको नीचे सेट एज पब्लिक पे टैप करना है और आपको कौन से फोल्डर में या कौन से एल्बम में इन्हें स्टोर करना है, सेव करना है, तो आपको उस फोल्डर पे टैप करना है। इसके बाद अगर आप बैक जाओगे फोटोज ऐप में तो आप देखोगे डाउनलोड के फोल्डर में जो भी आपने अनहाइड किए थे फोटो वीडियो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो किसी भी फोटो वीडियो को हाइड करना, अनहाइड करना काफी आसान है फोटोज ऐप में होते हुए आप कर सकते हो। आपको बस बॉटम बार में जो 3 आइकन से उसमें से किसी भी एक आइकन पे लॉन्ग टैप करना है। इस तरीके से ओपन होगा ये प्राइवेट सेफ। प्राइवेट सेफ को एक्सेस करने का और एक तरीका है, आपको जाना है एल्बम के टैब में और यहां पे शो करेगा आपको हिडन का ये ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है और आप इस तरीके से भी अपने हाइड किए गए इमेज वीडियो को देख सकते हो। यहां पे ये है प्राइवेट सेफ। इसके अलावा सेटिंग्स ऐप में जाकर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और यहां पे होगा नीचे ऑप्शन प्राइवेट सेफ का, आपको इसे ओपन करना है। तो आप यहां से भी उन्हें ओपन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज करना हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहां पे है प्राइवेसी पासवर्ड, आपको इसे ओपन करना है। सबसे पहले आपको अपना पैटर्न ड्रॉ करना है जो हमने सेट किया था, और ये रहा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन।
तो आप यहां से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो अब मुझे सेट करना है, मान लेते पिन को, तो मैं करूंगा यहां पे पासवर्ड टाइप पे टैप और सेट करूंगा 4 डिजिट। तो मैंने सेट किया है पिन को इस तरीके से, कंफर्म कीजिए फिर से। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट सेफ को एक्सेस करने के लिए केवल फिंगरप्रिंट का यूज करना है, फेस का यूज नहीं करना है, तो आपको अदर अनलॉक मेथड पे टैप करना है और आपको फेस को करना है डिसेबल। और अगर आपको प्राइवेट सेफ को शॉर्टकट तरीके से एक्सेस करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है, होम स्क्रीन आइकन को लॉन्ग टैप करके आपको इसे ड्रैग करना है जहां पे ड्रैग करना है वहां पे, मतलब कि आप होम पेज पे होते हुए ही प्राइवेट सेफ को एक्सेस कर सकते हो। आपको बस उस पर टैप करना है, अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट स्कैन करना है और इस तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे प्राइवेट सेफ को शॉर्टकट तरीके से। लेकिन मैं इस शॉर्टकट को यहां पे नहीं रखूंगा क्योंकि प्राइवेट सेफ है तो प्राइवेसी चाहिए, इसलिए मैं यहां से करूंगा इसे रिमूव। अब देखते हैं अगर आपको किसी भी फाइल टाइप को हाइड करना हुआ, जैसे कि आपके फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, एपीके, ऑडियो फाइल, तो आप कैसे करोगे माय फाइल्स में होते हुए। तो माय फाइल्स को आपको ओपन करना है। फोटो वीडियो को हमने देख लिया है, अब हम बात करेंगे ऑडियो डॉक्यूमेंट्स एपीके की, इन्हें कैसे हाइड करना है। तो आपको इन्हें ओपन करना है, जिस फाइल को आपको हाइड करना है उस पर लॉन्ग टैप करके सिलेक्शन कीजिए और फिर आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे मोर में सेट एज प्राइवेट का, इस पर टैप कीजिए। तो जो ऑडियो फाइल है यहां से हाइड हो चुकी है, सेम तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को भी करना है, लॉन्ग टैप करके आपको करना है मोर सेट एज प्राइवेट, और एपीके को भी करना है सेम तरीके से, लॉन्ग टैप करके मोर सेट एज प्राइवेट। तो हमने ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट्स, एपीके को हाइड कर दिया है। अभी ने देखना हुआ तो कैसे देखोगे, तो उसके लिए आपको यहां पे नीचे मिलेगा ये बॉटम बार जहां पे आपको शो करेंगे 3 आइकन, फाइल्स, रिसेंट और टैग। तो आपको तीनों में से किसी भी एक आइकन पे लॉन्ग टैप करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड या फिर जो फिंगरप्रिंट है उससे स्कैन करना है। और आप देखोगे ऑडियो में जो भी आपने ऑडियो फाइल हाइड किए थे यहां पे शो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी शो कर रहे हैं, और ये है अदर फाइल, मतलब कि एपीके। तो इस तरीके से आप माय फाइल्स में होते हुए भी इन्हें हाइड कर सकते हो। अगर आपको इन्हें अनहाइड करना हुआ तो इस पे टैप करके इसे ओपन कीजिए, लॉन्ग टैप करके कीजिए सिलेक्शन और फिर कीजिए सेट एज पब्लिक। जिस फोल्डर में आपको सेव करना है इन फाइल को, आपको उस फोल्डर पे टैप करना है। जैसे कि मुझे इसे सेव करना है म्यूजिक में, करूंगा मूव टू हियर। इसके अलावा आप यहां से भी प्राइवेट सेफ को एक्सेस कर सकते हो, ये रहा प्राइवेट सेफ का शॉर्टकट, आपको इस पे टैप करना है और इस तरीके से भी आप उसे ओपन कर पाओगे। हालांकि मैं नहीं चाहता कि जो प्राइवेट सेफ का शॉर्टकट है यहां पे शो करे, तो आपको जाना है इसके सेटिंग्स में और ये है शो शॉर्टकट टू प्राइवेट सेफ, इसे ऑफ कीजिए। अब यहां पे प्राइवेट सेफ आपको शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। तो प्राइवेट सेफ को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, आपको तीनों आइकन में से किसी भी एक आइकन पे लॉन्ग टैप करना है और इस तरीके से उसे ओपन करना है। सेम तरीके से फोटोज ऐप में भी अगर आप जाओगे तो यहां पे भी आपको मिलता है हिडन का ये ऑप्शन, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पे हिडन का ऑप्शन शो ना करें, तो आपको जाना है सेटिंग्स में और ये है शो हिडन एल्बम, इसे ऑफ कीजिए। अब यहां पे हिडन का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो यहां से भी अगर आपको प्राइवेट सेफ को एक्सेस करना हो तो आपको तीनों में से किसी भी एक आइकन पे लॉन्ग टैप करना है और इस तरीके से उसे ओपन करना है। अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड को भूल जाते हो तो आपको उसे कैसे रिसेट करना है, जैसे कि आपको ओपन करना है प्राइवेट सेफ को, तो इस पे कीजिए लॉन्ग टैप किसी भी आइकन पे, यहां पे होगा पासवर्ड का ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए। तो मान लेते हैं आपने गलत पासवर्ड को एंटर किया है, फिर आपको यहां पे मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड का ये ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए। रिसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन, इस पे टैप कीजिए। तो आपको याद होगा पहले हमने ये क्वेश्चन को सेट किया था और उसका आंसर हमने एंटर किया था, तो आपको सेम आंसर यहां पे एंटर करना है। तो मैं सेम आंसर एंटर करूंगा और करूंगा कंफर्म, पासवर्ड हो चुका है रिसेट। फिर आप अपना नया पासवर्ड यहां पे सेट कर सकते हो, तो आपको पासवर्ड टाइप पे टैप करना है, आप कोई भी पासवर्ड टाइप यहां से सेट कर सकते हो। मैं करूंगा पैटर्न, फिर से पैटर्न को ड्रॉ कीजिए, फिर से कंफर्म कीजिए। दोस्तों तो आप इस तरीके से अपने OnePlus Note 3 5G में अपने किसी भी प्राइवेट फाइल को हाइड कर सकते हो फोटोज और माई फाइल्स ऐप में जाकर। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।